अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, स्टोरी क्या हुई कि मैं आज एक बच्ची को पढ़ा रही थी, वो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ रही थी, और बुशा ने मुझे आके कहा कुछ वीडियो के बारे में। तो उसने मुझे एक सजेशन दी, उसने कहा आंटी आई वॉज लुकिंग एट योर वीडियो अबाउट नूडल्स, वाई डोंट यू मेक समथिंग अबाउट हे फीवर, हे फीवर सीजन इज इन, मेरी पूरी फैमिली को हे फीवर हो गया, सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर सफरिंग फ्रॉम हे फीवर एंड आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु डू नॉट वॉन्ट टू गो ऑन मेडिकेशन, राइट। तो फिर मुझे याद आया एक कहानी कोई 10 साल पहले की, कि मैंने किसी कोई हमारे जानने वाले थे, उनके 2 ट्विन बच्चे थे, तो उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में जा रहे थे आई थिंक, या फिर काफ़ी अच्छी भली बड़ी क्लासेस में थे। दोनों को बहुत ज़बरदस्त किस्म का हे फीवर था और पूरी समर बहुत गंदा हे फीवर रहता था। उनको मैंने मनुका हनी का बताया था, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने, अच्छा एनीवे, तो उनको मनुका हनी सजेस्ट किया था। एक भाई ने बड़ी रेगुलरली 1 टेबलस्पून भर के मनुका हनी का पिया और काफ़ी महीने तक, तकरीबन उसने कहा कि मेरे आफ्टर 2.5 मंथ्स मेरे हे फीवर बिल्कुल चला गया था, मगर मैं उसको रेगुलरली लेता रहा 6 मंथ्स तक। दूसरे भाई ने 1 या 2 वीक के बाद कहा कि भाई मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आई थिंक वो जब उससे वो कह रहा था नहीं मैंने तो 2-3 वीक लिया था बट नॉट मोर देन दैट। उसका हे फीवर उसी तरह रहा और दोबारा आया और बहुत लंबा चला और ख़त्म नहीं हुआ और अभी भी है, ठीक है। तो स्टोरी ये है कि थोड़ा सा स्टेडफास्ट रहना पड़ता है जब आपने इस तरह की चीज़ों से परमानेंट क्योर का, इफ़ यू आर सीकिंग परमानेंट क्योर, तो वो कोई जोक नहीं है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए लोग रेगुलरली इतनी इतनी मेडिसिन खाते हैं, और ये हमारा गेस्ट है जिन्होंने छींका है, हमारा घर का कोई फर्क नहीं है। तो एनीवे अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि अच्छा वो तो ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब ये है कि ये मनु कहानी नहायत ही महंगा है। ये मैं जो लेकर आई थी ना, ये रॉ मनु कहानी, और ये मैं अमेरिका से लाई थी। यहाँ पे तो रॉ मनु कहानी मिलता ही नहीं, मिलता होगा तो मेरे ख्याल से छोटी सी बॉटल 80-90 pounds की आएगी। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठे हुए माँ मनु कहानी इतनी ईजिली नहीं मिलेगा, चूँकि ये न्यूजीलैंड कहानी है। तो क्या पाकिस्तानी बेचारे या फिर किसी ऐसी एरिया पे जो है उनको अल्लाह ताला ने ऐसे ही छोड़ दिया है बगैर कोई नेचुरल चीज़ ऐसे पकड़ाए हुए, तो ऐसी बात नहीं है। वो क्या चीज़ होती है हनी में जो इतना ज़बरदस्त तरीके से क्या काम करती है, वो ये कि अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में कहा कि हमने वही की मक्खी के ऊपर कि तुम घूमो फ्लावर टू फ्लावर और सक करो उसका नेक्टर और फिर अपनी बैली और उसके अंदर से निकालो एक मशरूब जिसमें शिफा हो सब इंसानों के लिए। तो अब क्या स्टोरी है कि वो फ्लावर सक करती है और पोलन जो होता है उसके अंदर सारी स्ट्रेंथ होती है प्लांट की, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी द इट विल मेक बेसिक ऑफ अ न्यू प्लांट, ठीक है। पोलन से रिप्रोडक्शन का ताल्लुक होता है और उसकी स्टोर्ड एनर्जी वो प्लांट के अंदर फर्टिलाइज होता है और फिर वो सीड में जाती है और फिर एवरीथिंग। तो आप ये सोचें कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा किस चीज़ की वो अमाउंट होगी, ठीक है। स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज तो शायद होगा, मगर उसके अंदर जो एनर्जी होती है बेसिकली वो एक तो केमिकल एनर्जी सन की स्टोर्ड होती है और दूसरा उसके अंदर मिनरल्स की होती है। तो यही एनर्जी फ्री में इंडिया पाकिस्तान में जितने लोग रह रहे हैं वो सुन लें कि नीम के पत्तों में और मोरिंगा सुहांजने के पत्तों में यही सारी एनर्जी होती है। मोर ऑब्वियसली जब अल्लाह ताला ने कहा है और इतना साइंटिफिक प्रूफ है कि हनी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये होता है वो होता है, तो नथिंग कैन बीट द पावर ऑफ हनी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, और हनी भी ये जो होता है ना लैंगनीज तो फलाना जो बड़े बाहर वाला हमारे घर में पड़ा हुआ है, 0 है 0 marks है इनके। ये आपको सत्यानाश ज़रूर करेंगे, आपकी अच्छी भली हेल्थ तबाह करने में बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर्ड पैस्चराइज्ड हनी करेगा, कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको। तो हनी जो है ना वो हमेशा लोकल जिस आप ट्रस्टवर्दी जो फार्मर होता है उसको, उसके बड़े सारे टेस्ट होते हैं, मैं आपको बताऊंगी क्या तरीका होता है। कई हनी तो वो ऐसे वो कर ही नहीं रहे नहीं होते, वो जो यूं यूं करके नहीं टपक रहे होते वो नहीं करते, तो वो हनी नहीं होते बेसिकली। तो चूज़ एनी थिंग फ्राम मोरिंगा टू नीम लीव्स एंड ईट प्लेंटी ऑफ दोज रेगुलरली, बहुत बहुत अमाउंट में। सूखे हुए पत्ते खा रहे तो इतना इतना 2-3 दफ़ा दिन में, तो उससे भी 4-5 महीने बाद आपको फ़र्क लगने लगेगा, ठीक है। अच्छा, आई कम बैक विद मोर, अभी के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।